वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि निफ्ट का शेड्यूल आ चुका है पूरा, कब एग्ज़ाम है, कब सिचुएशन टेस्ट है, कब आपका काउंसलिंग है, वो सब हुआ। तो 14 दिसंबर से आपकी, यानी कि आज से, तो 14 दिसंबर 2020 से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 21 जनवरी 2021 को आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर फॉर्म रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये लास्ट डेट है आपकी। उसके बाद आपका आता है 25 जनवरी 2021 को आपकी आएगी विंडो टू एडिट और अपडेट फॉर्म ओपन, यानी कि इस डेट को आप अपने फॉर्म में अगर आपने चेंजेस करने हैं, कुछ एडिट करना है या कुछ और नया ऐड करना है तो आप वो कर सकते हो। फिर आता है आपका, ये आपका होगा 28 जनवरी 2021 तक, ये आपकी विंडो क्लोजेस, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट को आपकी होगी, एडमिट कार्ड आएगा, जो भी आपने फिल किया है उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन, आपका रोल नंबर आएगा उसमें, और आपका वो आएगा सेंटर नंबर आएगा उसमें आपका, कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है। एडमिट कार्ड अवेलेबल, और ये ऑनलाइन आएगा आपको। अगर तो पेपर ऑनलाइन हुआ तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आपको उसको प्रिंट आउट निकालना हो, लेकिन फिर भी आप कलर कॉपी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑफलाइन हुआ, मतलब आपको अपने सेंटर पे जाके करना हुआ, तो आपको ये एडमिट कार्ड दोनों कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दोनों कॉपी निकालनी होगी, साथ में आपकी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आएगी उसके अंदर, ठीक है। फिर आएगा आपका पेपर, आपका आएगा 14th को आपका पेपर होगा रिटर्न एग्ज़ाम। अब ये पता नहीं ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये आपको जल्दी से वो अपडेट कर देंगे यूजी एंड पीजी दोनों के लिए, ठीक है। फिर फेब से मार्च में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। वही सेम है जो पिछले साल हुआ था, बस ऊपर का थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। ये भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो अप्रैल मई में आपका वो सिचुएशन टेस्ट करेंगे। जब मेरे टाइम पे तो 4 मई को हुआ था पेपर सिचुएशन टेस्ट का, 3 डेट्स थी, 3, 4 एंड 5, मेरा सेकेंड डे था, ठीक है। सिचुएशन टेस्ट होगा फिर मई जून में ही आपका फाइनल रिज़ल्ट, यानी कि पूरे मार्क्स के साथ में और आपका रैंक के साथ में, दोनों CM कैटेगरी रैंक भी और आपका वो जनरल रैंक भी, ठीक है। उसके बाद आता है सेम वही मई जून में आपकी काउंसलिंग होगी। मेरी काउंसलिंग हुई थी 20 जून को, वो आपके रैंक के हिसाब से डेट होती है आपकी। अगर आपके रैंक जो है वो 0 से 100 के बीच में, तो आपका सबसे पहले दिन काउंसलिंग होगी, मतलब जो भी सबसे पहली डेट होगी वो होगा। फिर धीरे धीरे रैंकिंग के हिसाब से वो आपको करते जाते हैं और सीट्स भी खाली होती जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पूरा है, पूरा टेबल्ड है सिचुएशन निफ्ट के एग्ज़ाम का। और हो सकता है अगर इसके हिसाब से ही चले तो आपका अगस्त स्टार्टिंग में या जुलाई एंड में आपका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 2021 वाला। तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि कब आपका कैसे आपको करना है पूरा। हार्डली कुछ टाइम बचा है पेपर में, तो
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।